हे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, आज 27th of June 2021 और आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन शेयर मदर्स एंड सुमी के ऊपर। दोस्तों, लास्ट कुछ दिन से अगर हम बात करें, जब से मदर्स एंड सुमी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आउट हुआ है, ठीक उसके नेक्स्ट डे से मदर्स एंड सुमी के शेयर के अंदर हमें गिरावट देखने को मिला। अब ये करेक्शन कंसोलिडेशन फेज कितना दिन तक चलेगा इस वीडियो में हम जानेंगे। और उसके साथ साथ मार्केट का कुछ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स दिग्गज ब्रोकरेज कंपनीज की तरफ से मदर्स एंड सुमी की तरफ से बड़े बड़े टारगेट दिया जा रहा है। क्या टारगेट है, आपका क्या रणनीति क्या हो सकते हैं, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये चार चीज़ों को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक एंड आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों, कल यानी 28th of June मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट होने जा रहा है। और नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक में दोस्तों हम सभी का नजर आएगा मदर्स एंड सुमी के ऊपर, क्योंकि जब से मदर्स एंड सुमी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आउट हुआ है, ठीक उसके एक दिन बाद से इसके अंदर हमें लगातार गिरावट देखने को मिला। तो दोस्तों, अब जो इम्पोर्टेंट सवाल निकल कर आ रहा है इन्वेस्टर्स के दिमाग में, ये सवाल आ रहा है कि ये गिरावट, ये करेक्शन, ये कंसोलिडेशन फेज कितना दिन तक चलेगा। क्योंकि आप देख सकते हो, जब शेयर के अंदर तेज़ी आया था, शेयर 170 के आसपास पहुंच चुका था, मतलब जब क्वार्टर फोर का रिजल्ट के दिन। उसके बाद देखिए, शेयर के अंदर धीरे धीरे करके गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को, टेक्निकल सपोर्ट क्या टारगेट हो सकते हैं, इसके ऊपर डिटेल में बताएंगे। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। और उसके साथ साथ सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि एक्सपर्ट्स ने क्या बोल रहा है कि मदर्स एंड सुमी का टारगेट क्या हो सकता है, मार्केट का कुछ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का क्या राय है। देखिए, सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल, एक बहुत बड़ा दिग्गज ब्रोकरेज कंपनी है, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से देखिए मदर्स एंड सुमी के अंदर बाइंग का रिकमेंडेशन आया है, बाय मदर्स एंड सुमी। एंड जो टारगेट प्राइस बताया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इंकरेजिंग मुझे लगा, 300 रुपये, यानी आज की डेट पे ये मदर्स एंड सुमी का शेयर 236 पे मिल रहा है। 300 रुपये का टारगेट दिया, यानी मोर देन 27% के आसपास अपसाइड टारगेट दिया। दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए मदर्स एंड सुमी के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा ब्रोकरेज कंपनी, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रभुदास लीलाधर की तरफ से भी यहाँ पे रिकमेंडेशन आया है बाइंग का, मदर्स एंड सुमी के अंदर बाई मदर्स एंड सुमी सिस्टम। जो टारगेट प्राइस बताया जा रहा है 311 रुपये पर शेयर के हिसाब से, यानी आज के डेट पे इसका मार्केट प्राइस 236 चल रहा है। ये टारगेट प्राइस कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 30% के आसपास अपसाइड टारगेट दिया है। तो ये सब टारगेट दोस्तों देख सकते हो, सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर सिंगल ब्रोकरेज कंपनीज या एक्सपर्ट ने नहीं, पूरा का पूरा देखिए। पहले मैं मोतीलाल ओसवाल को दिखाया, उसके बाद प्रभुदास लीलाधर, उसके बाद देखिए आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने भी मदर्स एंड सुमी के अंदर बाइंग का रिकमेंडेशन किया है, बाई मदर्स एंड सुमी। एंड जो टारगेट प्राइस दिया है 300, यानी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए एवरेज वाइज तो हर एक ब्रोकरेज कंपनीज नहीं, यहाँ पे मदर्स एंड सुमी के अंदर बाइंग का रिकमेंडेशन कर रहा है। और उसके साथ साथ जो टारगेट प्राइस दे रहा है अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपये के आसपास। तो दोस्तों, इसके अंदर अभी भी बढ़िया मौका है आपको खरीदारी करने का। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, वीडियो में मैं जो चीज़ आपको समझ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए। बट उसके पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर इनकरेज करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने में। दोस्तों, लगातार इसके अंदर गिरावट के बाद इसका जो RSI नंबर निकल के आ रहा है 46 के आसपास, यानी न्यूट्रल जोन पे चल रहा है, नॉर्मल जोन पे। अब हम आपके सामने यहाँ पे मैं ओपन किया मदर्स एंड सुमी का 3 महीने का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब देखिए, सबसे पहले ये जो ब्लू कलर वाला लाइन आप देख रहे हो, ये है मदर्स एंड सुमी का 50 डेज का EMA, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये जो रेड कलर वाला लाइन आप देख रहे हो, ये है 20 डेज का EMA, यानी 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब देखिए, मदर्स एंड सोमी के अंदर जब क्वार्टर फोर रिजल्ट के दिन सीधा सीधा शेयर प्राइस 230 से 270 रुपये चला गया था, मतलब डायरेक्टली 20% के आसपास हमें जम देखने को मिला था एक ही दिन के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, देखिए शेयर में धीरे धीरे करेक्शन, मतलब एक बार में नहीं गिरा शेयर,
धीरे धीरे करेक्शन, और करेक्शन कहाँ तक आया, 230 रुपये की लेवल पे। लास्ट टाइम जब मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल चल रहा था, गिरावट में था लास्ट वीक पे, आपको याद होगा, तो उस टाइम पे देखिए शेयर प्राइस को यहाँ पे जो 230 रुपये का लेवल है ठीक उसके ऊपर 232-30 के आसपास हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है। देखिए ये जो लेवल्स है इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है, इसके पीछे रीज़न क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके सामने ओपन किया 6 महीने का चार्ट पैटर्न। अब देखिए थोड़ा पीछे आ जाइए, मदर्स एंड सुमी के जब शेयर के अंदर फेब्रुवरी के महीने पर देखिए शेयर प्राइस कहाँ पर था, 150 रुपये पे, उस टाइम पर जब तेज़ी आया था कहाँ तक पहुँचा था, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट निकल के आ रहा है 230 रुपये, यानी 230 मदर्स एंड सुमी के लिए प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट था, जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके शेयर प्राइस नीचे की तरफ बढ़ा है 200 रुपये तक। उसके बाद देखिए शेयर में लगातार हमें तेज़ी देखने को मिला था, एंड तेज़ी दोस्तों इतना ही था कि सीधा से 270 में चला गया। उसके बाद देखिए जब करेक्शन आया तो कहाँ तक आया, उसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट था वो आज की डेट में मदर्स एंड सुमी के लिए एक सॉलिड सपोर्ट पॉइंट बन चुका है। यानी आपको दोस्तों अभी खरीदारी करने का बढ़िया मौका है, और ये का आपको बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए। मदर्स एंड सुमी जो कि अपने शेयर होल्डर को मोर देन 1 लाख% की ऊपर रिटर्न दिया है, बहुत लोग यहाँ पे मतलब यहाँ पे बिलीव नहीं करेगा कि मैं ऐसे हो सकता है कि लोग समझ रहे हैं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। देखिए इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, ऑलमोस्ट मैं तो 1 लाख कम बोल दिया, देखिए 2 लाख% के रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में। इतना शानदार कंसिस्टेंटली रिटर्न देने वाला स्टॉक है, हमेशा आपको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब कुछ टेक्निकल पॉइंट्स यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए इसका जो रेड कलर वाला लाइन जो कि मैंने आपको बताया था 20 डेज़ का ईएमए, और ब्लू कलर वाला लाइन यानी 50 डेज़ का ईएमए। अब यहाँ पे आपको ध्यान से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, शेयर में जब तेज़ी आता है तो देखिए जो इसका 20 डेज़ का ईएमए इसके बहुत गैप अप हो जाता है। देखिए ये जो गैप है 20 डेज़ और 50 डेज़ के अंदर इतना ज़्यादा गैप हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब करेक्शन होता है देखिए 20 डेज़ यहाँ पे जो 50 डेज़ है उसके ठीक नीचे आ जाता है, ये पोजीशन को ऑब्जर्व कीजिए। बट उसके बाद क्या होता है, फिर से तेजी आता है एंड शेयर प्राइस उसका जो नया हाई बना लेता है। उसके बाद क्या होता है देखिए शेयर में थोड़ा सा करेक्शन, एंड देखिए ये जो ब्लू कलर वाला लाइन एंड ये जो रेड कलर वाला लाइन देखिए धीरे धीरे अभी आमने सामने आ रहे हैं, आमने सामने। इसका सीधे सीधा मतलब है कि दोस्तों अभी और कुछ दिन मदर्स एंड सुमी के शेयर के अंदर हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है। और कंसोलिडेट कौन सा यहाँ पे प्राइस रेंज के अंदर होगा, वो होगा 230 से लेकर 240 रुपये के अंदर। अब इसमें फर्दर तेज़ी भी आ सकता है, बट कंसोलिडेट करने का चांस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमने बार बार देखा है कि ये जो ब्लू कलर वाला लाइन यानी 20 डेज़ का ईएमए एंड ये जो रेड कलर वाला लाइन दोस्तों ये दोनों देखिए एकदम एक मतलब यहाँ पे एक मीट हो जाता है, तो उसके बाद इसके अंदर हमें तेज़ी देखने को मिलता है। अब देखना यह है कि ये कितने दिन ये कंसोलिडेट फेज चलता है, बट उसके बाद तो तेज़ी जरूर आएगा। आपके अंदर दोस्तों हमेशा पेशेंस होना चाहिए मदर्स एंड सुमी के अंदर निवेश किया तो, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर आपको बढ़िया रिटर्न कमा के दे सकता है। अब मदर्स एंड सुमी का जो चलने का पैटर्न है उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए शेयर में। देखिए ये एक साल का चार्ट पैटर्न आपके सामने मैं ओपन किया, एक साल पहले की बात करें तो शेयर प्राइस 100 रुपये के आसपास चल रहा था, शेयर में तेज़ी आया, फिर क्या हुआ देखिए लगभग 2 महीने इसके अंदर हमें करेक्शन एंड कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया। उसके बाद क्या हुआ देखिए शेयर में डायरेक्टली तेज सीधा सीधा शेयर पहुंच गया, कहां से कहां देखिए 100 रुपये 100-110 से शेयर पहुंच गया डायरेक्टली यहां पे 150 पे। उसके बाद क्या हुआ देखिए करेक्शन हल्का सा कंसोलिडेट किया, फिर से देखिए इतना तेजी शेयर पहुंच गया सीधा सीधा 230 रुपये पे, देखिए नया नया यहां पे अपना हाई लगा रहा है। उसके बाद देखिए क्या हुआ फिर से करेक्शन, इस बार जब तेज़ी आया तो नया फिर से हाई लगा दिया 270 पे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन या कंसोलिडेशन फेज और कुछ दिन चल सकते हैं, उसके बाद दोस्तों जरूर तेज़ी आएगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंसली काम लेना है आप अगर लॉन्ग टर्म का निवेशक है तो अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं दोस्तों इससे बढ़िया मौका मदर्स एंड सुमी के अंदर मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आप देख सकते हो जब जब इसके अंदर कंसोलिडेट फेज में चलता है तब आपको यहाँ पे शेयर को खरीदारी कर लेना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि उसके बाद जब तेज़ी आता है वो तो उसका जो प्रीवियस हाई उसका आराम से क्रॉस करके निकल जाता है। तो ये मौका आपको बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए रोज डेली बेसिस के ऊपर देखिए शेयर के अंदर कितना ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, चाहे डिलीवरी की बात करें चाहे ट्रेडिंग की बात करें। तो दोस्तों एट द एंड ये बोलूँगा कि बढ़िया शेयर है, बढ़िया प्राइस में मिल रहा है, वेट मत करना, फटाफट इसके अंदर आप बाई कीजिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। वीडियो को यहीं पे एंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।